नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम पत्रकार वार्ता में मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं। अपने इस कार्यक्रम में हम देश और प्रदेश की किसी बड़ी खबर को पत्रकारों की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा विषय है अन्ना की हुंकार। अन्ना हजारे एक बार फिर लोकपाल की मांग को लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। उनका यह कहना है कि हमने नरेंद्र मोदी को 3 साल का समय दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी काम नहीं किया है, और यदि नरेंद्र मोदी शीघ्र इस पर कोई पहल नहीं करते हैं तो वे फिर से एक बार रामलीला मैदान पर अनशन करेंगे। इसी विषय पर हम आज अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गांधी जयंती पर देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने फिर से हुंकार भरी है। हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में सशक्त लोकपाल की अपनी मांग को लेकर एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान पर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। हजारे ने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल बाद भी इस देश में कोई भी ठोस पहल नहीं की है। हजारे का कहना है वे मोदी सरकार को समय देना चाहते हैं, अब 3 साल बहुत हो चुके हैं। 80 साल के अन्ना हजारे ने लोकपाल कानून की मांग को लेकर 25 अप्रैल 2011 को दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के जरिए तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को 15 अगस्त 2011 तक लोकपाल कानून बनाने की चेतावनी दी गई थी। जब ये कानून नहीं बना तो अन्ना हजारे 16 अगस्त 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर आमरण अनशन करने जा रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में भेज दिया। अन्ना के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो गया, देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए तो घबराकर सरकार ने अन्ना को रिहा कर दिया। अन्ना हजारे ने जेल से लेकर रामलीला मैदान तक 10 दिन अनशन किया। मनमोहन सरकार ने लोकपाल कानून बनाने पर लिखित आश्वासन दिया। इस दिशा में कानून को जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसे अन्ना और उनकी टीम ने अस्वीकार कर दिया। अन्ना आंदोलन से बेशक देश को सशक्त लोकपाल नहीं मिला, लेकिन इस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव, कुमार विश्वास, किरण बेदी, जनरल वीपी सिंह, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे चेहरे खूब चमके। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अन्ना आंदोलन के ही देन है। इस 6 वर्ष में अन्ना हजारे की टीम पूरी तरह बिखर चुकी है और केंद्र में मनमोहन सिंह जैसे ढीली नहीं, नरेंद्र मोदी जैसे कद्वार नेता की सरकार है, जो विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए पहचानी जाती है। देखना होगा कि अन्ना हजारे यदि आंदोलन करते हैं तो इस बार उनकी टीम में कौन से चेहरे होंगे और क्या उनका अनशन मनमोहन सिंह की तरह मोदी को झुका पाएगा। तो देखा आपने, अन्ना हजारे ने एक बार फिर हुंकार भरी है। 80 साल के अन्ना हजारे लोकपाल को लेकर फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं, और अभी अभी एक खबर यह मिली है कि अन्ना हजारे ने आज एक दिन का गांधी जी की समाधि यानी राजघाट पर अनशन शुरू कर दिया है। वे इसे सांकेतिक अनशन बता रहे हैं और इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि भविष्य में वे इस बात की रणनीति बनाएंगे, और इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एलएन स्टार समाचार पत्र के संपादक प्रकाश भटनागर जी और आईटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे जी। सबसे पहले मैं अजय दुबे जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि अजय दुबे जी 2011 में जो अन्ना आंदोलन चला था उसके एक भागीदार भी रहे हैं और लगातार इस लोकपाल के मामले से जुड़े भी रहे हैं। अजय जी, 6 साल हो चुके हैं, क्या आपको लगता है कि जो एक बार आंदोलन हुआ था 2011 में, क्या पुनः उस स्पीड से आंदोलन हो पाएगा इस बार अन्ना जी का? देखिए, निश्चित तौर पे जो 2011 की मांग थी वो आज तक पूरी नहीं हुई, और इसको आप ये कह सकते हैं कि पार्ट 2 आंदोलन होगा और वो शुरुआत होगी, और इसमें भीड़ तो जुटेगी, क्योंकि इस भीड़ जुटने का जो कारण है कि 2011 में पार्ट 1 आंदोलन में कई लोग सफल नेतृत्व के चेहरे बन गए, कईयों को पद मिल गया, कोई भाजपा में गया, कोई खुद की सरकार बना ले गया, तो आकांक्षा रखने वाले लोग तो जुड़ेंगे। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि अब अन्ना हजारे ये जनता को बताएं
कि वो जो भी अनशन आंदोलन करेंगे क्या वो लोकपाल के इम्प्लीमेंटेशन तक रहेंगे या उसके पहले उठ जाएंगे। मुद्दा अविश्वसनीयता का भी है और अन्ना हजारे जी को निश्चित तौर पर बिल्कुल साफ सुथरा अपना जवाब लेके यदि जनता के साथ आते हैं तो इसकी सार्थकता रहेगी, अन्यथा भीड़ तो उनकी जुटेगी जो कहीं ना कहीं किसी पद की आकांक्षा में इस आंदोलन से जुड़ेंगे। जी प्रकाश जी, 2011 में मनमोहन सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे और यही कारण है कि अन्ना के साथ एक बहुत बड़ी टीम जुड़ी। इस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, आर्थिक नीतियों को लेकर बेशक विवाद हो सकता है लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पर अभी भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अन्ना का जो आंदोलन है फिर से जो पार्ट टू बताया जा रहा है क्या उस गति से हो पाएगा जैसी कि पिछली बार 2011 में हुआ था? देखिए रविंद्र जी, 2011 और 2017 दोनों में बहुत अंतर है। 2011 में अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ था तब कई सारे केंद्र सरकार के स्कीम घोटाले एक के बाद एक उजागर हुए थे और देश में कांग्रेस विरोधी माहौल था। उस माहौल में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को संगठित तरीके से भुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठनों ने किया। जो स्वैच्छिक संगठन इनके साथ जुड़े थे वो अपनी जगह थे लेकिन अन्ना आंदोलन का जो व्यापक स्वरूप हुआ था उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खाते में गया। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए उसके बाद से अन्ना हजारे और उनका आंदोलन लगभग हाशिए पर है। भ्रष्टाचार केंद्र के स्तर पे कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई लेकिन भ्रष्टाचार हमेशा मौजूद है, वो राज्यों में मौजूद है, अलग अलग स्तरों पे केंद्र सरकार में भी मौजूद होगा। आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के स्तर पे या केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्तर पे कोई बड़ा घोटाला सामने नहीं आया, कोई बड़ी घटना ऐसी सामने नहीं आई है लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हो गया और लोकपाल की जरूरत आज भी है, बराबर है लेकिन अन्ना हजारे अब उतने प्रभावी नहीं है जितने 2011 में वो थे। अजय जी, 2011 में अन्ना के पास एक बड़ी अच्छी टीम हुआ करती थी जिसमें केजरीवाल थे, किरण बेदी थी, जनरल बीपी सिंह साहब थे, बाबा रामदेव भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी के उससे पेरोल पर रहे होंगे। उस वक्त प्रशांत भूषण जी थे, फाइनेंशियल सपोर्ट उनका उनके साथ था। इस समय उनके साथ में कोई टीम दिखाई नहीं दे रही है, योगेंद्र यादव भी हुआ करते थे उस समय, कुमार विश्वास एक बड़े अच्छे मंच संचालक हुआ करते थे। आपको लगता है कि फिर से वो टीम को जोड़ने की कोशिश करेंगे या कुछ नए चेहरे आएंगे, और नए चेहरे आएंगे तो किसकी संभावना दिख रही है आपको, कौन होगा अन्ना आंदोलन का मास्टर माइंड? देखिए ये जनता भी ये इच्छुक है और ये बहुत रोचक बात है कि अन्ना अब इस बार के आंदोलन में किन चेहरों को लेके और सफल रणनीति के साथ आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पुराने चेहरे तो इनके साथ नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि उन्होंने लोकपाल शब्द के बारे में बोलना ही बंद कर दिया है। अन्ना हजारे की जो टीम थी उसका एक उदाहरण था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने असफल प्रयास किया, असफल क्या एक तरह से उनका अनुचित प्रयास था कि बिना केंद्र की अनुमति के वो जो दिल्ली में लोकपाल ला रहे थे उसका प्रयास असफल हो गया। उसके बाद करीब 2 या 3 साल हो गए उन्होंने उस पर बात करनी बंद कर दी। एक भी पुरानी टीम का सदस्य लोकपाल पर बात नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर नए चेहरे आएंगे और लोगों को इच्छा है कि अन्ना हजारे पूरे आंदोलन की रणनीति बाहर लेके आए। आज वो केवल एक दिन के लिए बैठे हैं, उनकी कोई टीम नहीं दिख रही, इस बार मीडिया पे उनको बहुत ज्यादा स्थान नहीं मिल रहा है तो ये निश्चित तौर पर कई ऐसे प्रश्न हैं। लेकिन वही बात आती है कि विश्वसनीयता वो शायद खो चुके हैं। और दूसरी बात, अभी आदरणीय प्रकाश जी ने कहा कि इस वक्त वर्तमान में केंद्र में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक है नहीं है, हमारा ये कहना है कि जब भाजपा जब आई थी सत्ता में तो उसने लोकपाल का प्रॉमिस किया था तो 3 साल में लोकपाल ना होना ये साबित नहीं करता कि भ्रष्टाचार नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। आपने पुराने जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार थे उनमें कितनों में कार्रवाई करी है, लोकपाल इसीलिए तो लाना था कि जो अतीत में पूर्व के भ्रष्टाचार है उन पे आप सख्त कार्रवाई करें। आपने कई बार कहा था, अन्ना ने और भाजपा ने भी कहा था, दोनों मिलकर उस समय मांग कर रहे थे कि हम दोषियों को जेल पहुंचाएंगे। जेल कौन गया मुद्दा इस बात का, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि जिसने कोल और स्पेक्ट्रम घोटाले में कार्रवाई करी है। लोकायुक्त संस्था का ना रहना और पुराने दागियों का बचे रहना, अन्ना को इसका जवाब देना पड़ेगा। प्रकाश जी, एक बात और यहाँ सोचने वाली यह है कि
जिस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था 2011-12 में लगातार आंदोलन चला, काफी तेज था, काफी लोग जुड़े थे, लेकिन हमेशा ये बात कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से महसूस की जा रही थी कि इसको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। और अभी आपने कहा भी कि लाभ उन्हीं को मिला, कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उस आंदोलन को पीछे से हवा दे रहे थे, कुछ लोग आगे से हवा दे रहे थे। आपको लगता है कि इस बार स्थितियां पलट होंगी, अन्ना यदि आंदोलन करते हैं तो पर्दे के पीछे कांग्रेस होगी? देखिए, कांग्रेस स्थिति में नहीं है कि वो अन्ना हजारे के आंदोलन को उस तरह से वो रूप दे दे। कांग्रेस का संगठन बिल्कुल चरमराया हुआ है, कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो भी मतलब उलझनों में है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ऐसा कुछ कर पाएगी। लेकिन आप ये ताज्जुब करिए कि जब अन्ना हजारे का आंदोलन उफान पे था, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन कर रही थी, तब भी नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की थी, और गुजरात में शायद लोकायुक्त की नियुक्ति अभी भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि अन्ना हजारे के उस आंदोलन को नरेंद्र मोदी ने अपने स्तर पे तो कहीं गिनती में ही नहीं लिया था, जबकि उस आंदोलन को पूरा भुनाया और उसका जो राजनीतिक लाभ ले सकते थे वो पूरा नरेंद्र मोदी ने उठाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी भी अन्ना हजारे को महत्व नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे को अभी भी कोई महत्व नरेंद्र मोदी देंगे। जहां तक सवाल कांग्रेस का है या बाकी विपक्षी दलों का है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे आरएसएस और बीजेपी से बहुत पीछे हैं। नहीं नहीं, चलिए चलिए, वैसा कांग्रेस सुपुर्द ना दे पाए, कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, तो बाकी राजनीतिक दल और भी हैं जो इस समय नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी से बहुत सारे राजनीतिक दल आ रहे हैं, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, या दूसरे दल जो हैं। अभी केजरीवाल के पुनः जाने की संभावना देख रहे हैं क्या? देखिए आप, बहुत केजरीवाल का प्रभाव जो है दिल्ली तक ही सीमित होकर रह गया। नहीं, ये आंदोलन भी दिल्ली में होना है, ये आंदोलन भी दिल्ली में होना है, लेकिन आपने देखा कि दिल्ली तक ही सीमित होकर रह गया। दूसरी बात, उन दोनों के बीच में भी दूरियां हैं काफी, अरविंद केजरीवाल और उन दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। बाकी राजनीतिक दलों का जहां तक सवाल है, तो कांग्रेस के अलावा कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसका देशव्यापी प्रभाव हो। कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में है, लालू यादव बिहार में है, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनका संगठित प्रभाव कहीं कोई नहीं है जो कांग्रेस का हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर इतनी समस्या है इस समय नेतृत्व की कि कांग्रेस उस जगह की भरपाई कर ही नहीं पा रही है। चलिए अजय जी, एक बात और महत्वपूर्ण यह है कि जिस समय अन्ना जी ने आंदोलन किया था उस समय उनकी उम्र 74 साल थी, अब वो लगभग 80 प्लस हो चुके हैं। उम्र भी एक आंदोलन के लिए आवश्यक रहती है, जैसे जैसे वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और शरीर निश्चित तौर पर काम करना बंद करता है, 80 साल की उम्र में उनका आंदोलन कितना सफल देख रहे हैं आप? क्या उम्र उनके आंदोलन में बाधा नहीं है? निश्चित तौर पे बाधा है, तभी तो आज उन्होंने केवल एक दिन का आंदोलन रखा था और केवल एक सांकेतिक धरना है। मुद्दा इस बात का भी है कि विचार युवा रहते हैं, विचार और शरीर में केवल एक सामंजस्य रहना चाहिए, ईमानदार। और जो अन्ना है, केवल वो मैं मानता हूँ कहीं भी बैठे, यदि उनके विचारों का सम्मान होगा तो पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। मुद्दा यही है कि क्या उनके विचारों ने युवा अवस्था खो दी है, क्या विचार उनके जैसे बुजुर्ग हो गए हैं और लोगों पे उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि सफलता नहीं मिली। और अन्ना के पुराने जितने चेले थे, आप मैं मानता हूँ किसी ने भी लोकपाल पर 3 साल बात करी है, दिल्ली में आज लोकायुक्त नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ बहुत ही गंभीरता से कि किरण बेदी भी इसके किरदार थी, वो सेटल हो गई पांडेचेरी में, सब लोग अपना काम धाम में लग गए हैं, तो जनता दुखी है और थोड़ा सा निराश हुई है। अन्ना का जो आंदोलन था, उसकी जो असफलता थी वो ये नहीं थी कि लोकपाल नहीं बना, उसकी असफलता थी कि एक जन आंदोलन स्वतः स्फूर्त से जो बना था, जो बिना किसी राजनीतिक प्रेशर पे चल रहा था, हर राज्य की राजधानी में था, समाज में हर तबके में एक ललक थी कि भाई लोकपाल बने, लेकिन उस वक्त वो नहीं बन पाया और आज भी नहीं बना है। तो इसके कारण लोगों में एक तरह से निराशा है और आक्रोश भी है, अन्ना शायद उस आक्रोश को नहीं देख पा रहे। प्रकाश जी, एक मुद्दा यह भी है कि मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे जब यह आंदोलन चरम पर था, और आंदोलन की काफी सफलता इसलिए कही जा सकती है कि पूरे देश भर में यह मूवमेंट था। ये बात दूसरी है कि वो चरम पर नहीं पहुंच पाए और जो उसके परिणाम थे वो परिणाम नहीं मिल पाए, लेकिन यह तय है कि सरकार को झुकना पड़ा था, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा था। आपको लगता है इस बार ऐसा कोई आंदोलन हो सकता है जिससे नरेंद्र मोदी बैकफुट पे आए या उनकी सरकार बैकफुट पे आएगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की जो छवि है वो विरोधियों को चुन चुन के ठिकाने लगाने वाली छवि है। देखिए रविंद्र जी, अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था वो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद एक इमरजेंसी के पहले जो आंदोलन हुआ था, और उसके बाद दूसरा आंदोलन अन्ना हजारे का था जो देश के अंदर एक नई दिशा दे सकता था देश को,
और इससे लोग भावनात्मक रूप से जुड़े थे। पूरे देश में एक उफान आया था भावनाओं का, भ्रष्टाचार को लेकर एक आक्रोश पनपा था। उसको नेतृत्व अन्ना हजारे का मिला था। अन्ना हजारे की शख्सियत से लोग उतने वाकिफ उससे पहले नहीं थे। समाजसेवी वो काफ़ी समय से हैं और अच्छा काम भी कर रहे थे समाज सेवा में, लेकिन उनको जो हाइप मिली थी वो उसके बाद ठहर सा गया मामला। और अब अन्ना हजारे के ऊपर लोग उस शिद्दत से भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, ये सोचने की बात है। रहा सवाल सरकारों के अंतर का, तो अब नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी एरोगेंट भी हैं और बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से अन्ना हजारे के सामने झुक जाएंगे। जब उन्होंने गुजरात में ही लोकायुक्त को बनाना जरूरी नहीं समझा, तो मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे का आंदोलन, मनमोहन सिंह बेचारे बहुत ईमानदार सज्जन आदमी थे और वो सब तरह के दबाव में आ जाते थे, वो संचालित थे। नरेंद्र मोदी संचालन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। यही सवाल मैं अजय जी आपसे समझना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की छवि है वो अपने विरोधी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या भारतीय जनता पार्टी के बाहर हो, अपने विरोधियों को से बदला लेना, उसको ठिकाने लगा देना, उसको गाड़ देना, इस तरह की छवि उनकी रही है। वो कभी भी सत्ता में बैठने के बाद में जो एजेंसियां हैं, चाहे वो CBI हो, इनकम टैक्स हो, उसका उपयोग करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में अन्ना का भविष्य क्या देखते हैं? क्या अन्ना या अन्ना से जुड़ने वाले लोग, पहले सब लोग जुड़ गए थे, अब क्या इस नरेंद्र मोदी के डर के वजह से अन्ना से वो लोग जुड़ पाएंगे जो जिस तरह से पहले जुड़े थे अन्ना से लोग? बहुत सही सवाल है आदरणीय जैन साहब। मैं एक बात उदाहरण देता हूँ कि अन्ना के आंदोलन के प्रति किस तरह वफादारी है, इसका एग्जाम्पल देखिए कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने बिल्कुल निरंकुश होके इस लोकपाल अधिनियम जो कुछ संशोधन के कारण अभी लंबित है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की इंतजार कर रहा है, उसमें एक संशोधन उन्होंने पारित किया पूरे भारत में सारे नौकरशाहों के विरोध का सम्मान करते हुए। लोकपाल अधिनियम में ये हो गया कि अब IAS या जो भी अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है उसके परिवारजन की संपत्ति का ब्यौरा उसको नहीं देना पड़ेगा, इसका सख्त विरोध हुआ। तब लोकपाल अधिनियम की मांग करने वाले कहाँ थे? तब अन्ना कहाँ थे? और अन्ना जो भ्रष्टाचार के मामले में लड़ रहे हैं, कुछ समय पहले एक टिप्पणी हुई थी महाराष्ट्र हाईकोर्ट की कि वो कुछ मंत्रियों के बारे में प्रकरण लेके गए थे हाईकोर्ट जनित याचिका में, तो उनकी याचिका निरस्त कर दी गई और उनको ये सलाह दी गई थी कि अन्ना जी आप तो जानते हैं भ्रष्टाचार की जांच लोकायुक्त करता है, तो महाराष्ट्र में पहले लोकायुक्त को संपर्क करिए और जब जांच न हो तब आइए। तो मैं ये मानता हूँ कि अन्ना शायद अब रफ्तार खो चुके हैं और अन्ना के जो चेलों ने उनको जो क्या कह सकते हैं सामाजिक आंदोलन की दुर्गति करी और उसको राजगद्दी हासिल करने का जो माध्यम बनाया, वो अब समाज के हर जगह पे ये बात फैल चुकी है कि अन्ना उस अपने जीते जी अपने उस सम्मान को रखना चाहते हैं कि उन्होंने कभी आंदोलन लोकपाल की मांग करी थी। प्रकाश जी थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है कि टाइमिंग क्या है अन्ना के आंदोलन की धमकी देने की? ये जरा टाइमिंग पे आप गौर करेंगे, 3 साल हो चुके हैं, 4th साल चल रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार को, 3 साल से अन्ना का कोई बयान हमने नहीं देखा, लेकिन 3 साल बीतने के बाद अन्ना का बयान तब आता है जब यशवंत सिन्हा खुलकर सामने आते हैं आर्थिक मोर्चे पर। अभी आप देखेंगे पिछले 1-1.5 महीने से, बल्कि कुछ 15 दिन से ज्यादा, सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना तेजी से बढ़ी है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संघ ने भी उन पर एक अटैक किया है 2 दिन पहले। ऐसी स्थिति में अन्ना का यह बयान आना कि मैं आंदोलन करूंगा, कुछ टाइमिंग लगता है कि कुछ मिलती जुलती टाइमिंग है ये कि ऐसे ही सरकार थोड़ी सी कमजोर हो और हम हमला बोले? देखिए, साल 1.5 साल के अंदर चुनाव आ जाएगा, लोकसभा का चुनाव आ जाएगा और ये सोचा जा सकता है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने का एक उचित समय है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं और मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह के दबाव में आएंगे। इन्हें यदि नरेंद्र मोदी को मुझे लगता है कि 2002 के बाद से एक सफल राजनीतिक के तौर पे ही हम देख रहे हैं और हार अभी तक उनके हिस्से में आई नहीं है, तो सफलता के उन्होंने कुछ रोड मैप तय कर रखे हैं, अब वो अगली सरकार कैसे बनाएंगे? अभी हमने देखा नोटबंदी के बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलताएं मिली है, तो मुझे लगता है कि जो लोग नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं उससे ज्यादा बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्हें नोटबंदी से कोई असर नहीं हुआ और वो मतदान में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो ये टाइमिंग्स के मामले में अभी भी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी के क्या होगा भविष्य में। अजय जी एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बड़ा तबका धीरे धीरे मोदी के खिलाफ होता जा रहा है। आप देखें आडवाणी जी नाराज हैं, सबको पता है,
यशवंत सिन्हा खुल के सामने आ गए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा खुल के सामने हैं, मुरली मनोहर जोशी पीछे से कर रहे हैं बार, गोविंदाचार्य इस समय अपने घाव सराई रहे हैं, वो खुद बैठे तैयार, संजय जोशी जी एकदम घसीये पर बैठे हुए हैं। ये क्या ये सभी ये लोगों का भी एक सोच है, बौद्धिक स्तर है इनका, लगता है कि अन्ना को कहीं ना कहीं पीछे से इनका सपोर्ट मिल सकता है आंदोलन में, या कुछ लोग खुल के भी आ सकते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर लोग खुल के आएंगे, लेकिन एक बात बहुत गंभीर है, नरेंद्र मोदी जनाधार वाला लीडर है और उसने कई चुनाव जीते हैं, और जो अभी हाल में ही उन्होंने जो बिहार में विपक्ष को पटखनी दे दी और विपक्ष के गठबंधन को तोड़ा और उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करी, तो इन लोग का पॉलिटिकल इलेक्टोरल मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, और इलेक्टोरल मैनेजमेंट ही इंडिया में मेरे ख्याल से सत्ता में काबिज रहने की एक कला है। और ये जितने भी नाम अभी आपने लिए, ये निश्चित तौर पे धरातल पे स्थिर नहीं है, और कहीं ना कहीं इनका जो आक्रोश है वो किसी असफलता के प्रमाण के साथ बाहर नहीं आ रहा। ये बेहद एक अति जो एलीट क्लास होता है, जहां पर इकोनॉमिक्स पे फाइनेंशियल चीजों पे डिस्कशन होता है, ये अभी तक वहीं तक सीमित है। यदि ये लोग वाकई लगता है कि शासन ने सही काम नहीं किया आर्थिक मोर्चे पे, तो इनको अन्ना के साथ सड़क पे आना चाहिए और जनता को जनाधार को इनको प्रेरित करना पड़ेगा, तब जाके इनकी वास्तविकता, अदरवाइज ये भी कांग्रेस के शशि थरूर जैसे बौद्धिक। मैं प्रकाश जी आपसे भी यही सवाल, जो सवाल मैंने अजय जी से किया है, यही सवाल मैं प्रकाश जी से करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का असंतुष्ट तबका धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, क्या ये अन्ना के साथ आ सकते हैं खुलकर? भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट तबके का जहां तक सवाल है, तो वो संगठन से बाहर नहीं जा सकता, सारे कोर भाजपा ही हैं, चाहे वो हार्ड कोर, हाँ, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे आपके मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे संजय जोशी हो, यशवंत सिन्हा चूंकि नौकरशाह रहे हैं पहले, उनका अतीत नौकरशाही का रहा है, तो अब उनकी बात शत्रुघ्न सिन्हा का कोई ऐसा आधार नहीं है, तो मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी हमेशा संघर्ष करके ही आगे बढ़े। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो पूरे 12 साल उन्होंने केंद्र सरकार से जो धर्मनिरपेक्ष ताकते हैं, जो उन्हें मौत का सौदागर और पता नहीं क्या क्या कहते थे, तो उन सब से ही लड़ते भिड़ते आगे बढ़े हैं। तो लड़ना जो है एक उनका राजनीति का वो है, पहले अपने विरोधी खड़े करते हैं वो, और विरोधियों की भी मतलब उनसे निपटते हैं, तो जो एक आभा मंडल उनका बनता है वो नरेंद्र मोदी की खासियत है। और मुझे लगता है कि वो जुझारू प्रवृत्ति उनकी जो है, तो हिंदुस्तान में जो एक उनके सामने जो विकल्प वाली बात है, तो नरेंद्र मोदी के स्तर का विकल्प अभी किसी भी पार्टी के पास नहीं। नहीं, अच्छा, एक चूंकि समय की कमी है, मैं आप दोनों ही मेहमानों से एक सोशल मीडिया और मीडिया पर टिप्पणी लेना चाहूंगा कि पहले मीडिया और सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी मुहिम अन्ना के साथ थी, इस बार मीडिया थोड़ा सा डरा हुआ है, सोशल मीडिया पे जरूर खुलकर लोग लिख पा रहे हैं। पहले अजय जी आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि जैसा सपोर्ट पहले अन्ना को मिला था, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्या लगता है कि मीडिया सपोर्ट करेगा अन्ना को? नहीं, मैं मानता हूं कि अन्ना जो सुर्खियों में रहते थे, इस बार ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो इस बार दोबारा सुर्खियों में। आज भी उनका जो पत्र है, आप विश्वास करिए अजय जी, उन्होंने जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है वो केवल और केवल बीबीसी हिंदी ने उसको रिलीज किया है, बाकी मीडिया में किसी ने तो रिलीज नहीं किया। जनता देखिए, भारत की जनता में कई प्रकार की विशेषताएं जो विश्व में किसी राष्ट्र में नहीं है। जनता स्पष्ट नीति चाहती है, कोई भी सरकार चला रहा हो। अन्ना ने क्या सरकार पर लोकपाल ना आने पर क्या निर्णय लिया, क्या करेंगे वो? यदि लोकपाल नहीं मिला तो इस बार करेंगे क्या? क्या अनशन लगातार रहेगा या उठ जाएंगे? बस केवल यही बात है। जी जी, ये टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा मीडिया को लेकर प्रकाश जी, क्योंकि आप तो मीडिया से जुड़े हैं, 3 दशक से ज्यादा आपको हो चुके हैं, मीडिया की क्या भूमिका रहने वाली है, और आपको लगता है कि इस समय मीडिया उतना स्वतंत्र नहीं है जैसा 2011 में था, थोड़ा सा डरा हुआ है? मीडिया की स्वतंत्रता का जहां तक सवाल है, तो मुझे लगता है कि मीडिया खुद से ही डरा हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिससे मीडिया पर दबाव बना है। अभी हाल मैंने जिंदगी में पहली बार, ये 30 सालों में पहली बार मैंने सुना है कि प्रेस काउंसिल ने कोई सिफारिश की और उस सिफारिश के ऊपर डीएवीपी ने जो है कार्रवाई की और बड़े बड़े अखबारों के विज्ञापन कैंसिल कर दिए। वो पेड न्यूज के मामले थे
या डिफेमेशन के मामले थे और उनपे प्रेस काउंसिल एक असरदार संस्था है, लेकिन उसका असर कभी किसी सरकार ने कायम नहीं रखा। पहली बार ऐसा हुआ है तो एक स्वाभाविक तौर पे उस संस्था का महत्व बढ़ा है। और दूसरा ये है, अगर जिन्होंने पेड न्यूज छापी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, इस पर हम और आप क्या बोल सकते हैं। इसे मीडिया पे दबाव, लेकिन एक दबाव बना है मीडिया के ऊपर। अब मीडिया खुद ही बहुत ज्यादा डर जाए नरेंद्र मोदी से तो बात अलग है, बाकी डंडा लेके तो वो किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। चलिए, आप दोनों ने बहुत ही सारगर्भित बात की, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।